मैं आपकी तुलना ना अपने आबा से कर भी नहीं रही हूँ, क्योंकि आप मेरे आबा की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं है। साला सा भी नहीं सोचते हो कि तुम्हारा ये बर्ताव दूसरों पर क्या असर करता है, मुझ पर भी। इंसान थक हार कर आता है, हजार परेशानियां झेल कर आता है, ऐसा नहीं कि उसे दो मिनट प्यार से बिठाऊं, उसे दो मिनट पूछ लूं कि तुम्हारा दिन कैसा गया। अच्छा वो मुझे नहीं पूछते मेरा दिन कैसा गया, तुम तो बता दो तुम्हारा दिन कैसा गया। एक फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, अपनी बीवी से तंग, बेहाल ऐसे एक पति मेरे साथ हैं और वो हैं विराट। विराट बहुत परेशान, फ्रस्ट्रेटेड, तंग हैं आप अपनी वाइफ से। सही से क्या ऐसा हो गया है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन लेवल अभी हमने आपका देखा वो इट्स लिटरली ऑन अनदर लेवल। हाँ, बेसिकली एक फ्रेज है इंग्लिश में कि फ्यूरी ऑफ अ पेशेंट मैन। तो एज वी सीन, हम लोग देख चुके हैं कि विराट बहुत ही शांत आदमी है, बहुत पेशेंट आदमी है, हमेशा पेशेंटली बात करता है सही से सबसे इनफैक्ट। लेकिन जब उसको यू नो देर आर सम बटन्स दैट शुडंट बी पुश्ड किसी के भी, तो ये बहुत टाइम का एक बिल्डअप था। वो सही को यही समझा रहा था कि कब से कि जो तुम कर रही हो वो गलत नहीं है ना, ऑलवेज स्टूड बाई यू बिकॉज यू आर राइट, योर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, बट जस्ट तरीका गलत है फॉर हिम। अगर कोई बात प्यार से बात करके सुलझाई जा सकती है, भले तुम्हारे साथ कोई बुरी तरह से बर्ताव कर रहे, लेकिन तुम अगर प्यार से बात करो तो वो बात सुलझ सकती है। लेकिन सही वो मेंटालिटी की नहीं है, उसका क्या है कि अच्छा तूने टिट फॉर टैट, तुम मुझसे जिस तरह से बात करोगे मैं उसी तरह से बात करूंगी। और विराट ऐसा है कि किसी ने मुझसे बुरी तरह से बात की, क्या हो गया आज, कुछ हुआ है बुरा, वो ये उनमें से है जो ऐसे पूछेगा। तो वो सही को समझा के थक गया है, और बड़ों से बदतमीजी विराट को 1% भी पसंद नहीं है। हालांकि वो जानता है कि हाँ उसकी फैमिली थोड़ी सी एक अलग मेंटालिटी की है और कभी कभी कुछ गलत चीज़ें बोल जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है, जो एक्सर्प्ट्स हमने दिखाए हैं शो में फैमिली के, चवान निवास के, वो कभी कभी लगता है क्वेश्चनेबल है, लेकिन देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस विच विल कम लेटर ऑन इन द शो। लेकिन ये चीज़ सही को अभी समझ में नहीं आ रही है और वो गलत तरीके से रिएक्ट कर जाती है। गलत एक तरह से उसकी तरफ से सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू विराट, नॉट मी एज पर से, विराट के हिसाब से ये अवॉइड किया जा सकता है। और वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ये एक बोलते ना फटना बोल सकते हैं विराट का, कि कितनी बार समझाऊं एक चीज़। इस घर ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ दिया लेकिन तुम्हें इतनी सी भी कदर नहीं है उसकी। सब बड़ों के आशीर्वाद के लिए और सब अच्छा के मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझसे कोई भी कैसे भी बात कर लेगा। और आज आपने नीचे सबके सामने मुझसे जैसे बात की, मैं पत्नी हूं आपकी, कोई पूछने नहीं। ये जो बम है काफी दिनों से बन रहा था, क्योंकि आई थिंक सही ये बात भी नहीं समझ पा रही है कि क्या सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, और आपको समझा रही है कि बलिदान देना सीखो। तो ये डायलॉग सुन के तो मतलब दर्शक भी सोचेंगे कि सबसे बड़ा बलिदान तो विराट ने दिया, और सही विराट को ही बोल रही है। बलिदान तो मैं खैर उसमें नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं है कि किसका ज्यादा बड़ा बलिदान है, लेकिन हाँ ये किरदार है, तीन किरदार जो हमने बनाए हैं, सही, विराट, पाखी, सबके अपने ये फ्लॉड किरदार हैं सारे के सारे। तो सही का फ्लॉ ये है कि वो इमेच्योर्ड है, तो उसमें वो पारदर्शी नज़र जो होनी चाहिए या समझ पाना, कुछ चीज़ें होती जो खाली एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी के साथ ही आती है, तो वो किरदार का फ्लॉ है वो। तो वो बहुत अच्छी तरह से सीन लिखा गया है, जिस तरह से वो लाइनें लिखी गई हैं जो वो इमेच्योरिटी को बाहर निकालता है, और उसकी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छा किसी ने मेरे लिए किया है ये चीज़। तो जब तक उसको बोला नहीं जाएगा तब तक उसे वो समझ में नहीं आएगा। सेम थिंग विद विराट, उसको ये चीज़ समझ में कभी कभी नहीं आती है कि वो बेचारी व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। यस ही अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई स्टैंड्स फॉर हर, बट एट द सेम टाइम वो बोलता है कि कभी कभी जाने दो, थोड़ा अगर बर्दाश्त करना पड़े लेकिन बड़ों की इज्जत रखो, ये बर्दाश्त कर लो, क्योंकि वो बचपन से वैसे पला बड़ा है। हालांकि हमने वैसे सीक्वेंसेस दिखाए नहीं है, लेकिन उसके परवरिश में, उसकी बात, उसके बात करने के ढंग में समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अगर मुझ पर काकू ने आज चिल्ला भी दिया क्या फर्क पड़ता है, मेरी बड़ी है ना, चिल्ला सकती है, कोई टेंशन नहीं। और जिस तरीके से आप मुझे बात कर रहे हैं ना, आपने कैसे नहीं देखी, मेरे आबा ने भी देखी, आप उससे डर से मत करिए ना, वरना क्या सर, घर छोड़ के जाओगी, यही कहना चाहती थी ना तुम, जाओ, अरे एक बार घर छोड़ के जाओ तो सही, तुम तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना किसी सहारे, बिना किसी साथी के बाहर की दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है।
आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें सही। अच्छा, लेकिन आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है सही को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पूरी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे पति होंगे जो शायद इसी दौर से गुजर रहे हैं, जिनकी बीवी समझ नहीं पा रही है उनको और लिटरली टॉर्चर होते हैं वो पति। ऐसे पतियों को क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपकी सिंपैथी है उन पतियों के साथ ये करने के बाद, देखने के बाद? मैं तो खाली विराट के हिसाब से बता सकता हूँ कि मैंने विराट को फील करके अभी परफॉर्म किया है कि उसकी घुटन क्या थी इतने दिनों की, इतने महीनों की, या जो भी जितने भी दिन हुए हैं इनकी शादी को। तो जो एक होता ना कि थैंक, मैंने उसने कभी एक थैंक बोला नहीं कि यू थैंक मी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन ये तो मत बोलो तुमने क्या किया मेरे लिए। तो वो जब आपको एक थैंकलेसनेस जब फील होती है तब बंदे की फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में, खाली शादी में नहीं, अगर कोई ऐसी भी रिलेशनशिप में जहाँ उसे थैंकलेस फील होता है, तो मेरे ख्याल से ऐसे फटना ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ ऐसे फटो मत। पर यस, कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एनीथिंग। अच्छा, आपके साथ साथ पाखी की भी बहुत बैंड बज रही है, सही पाखी को भी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है वैसे? नहीं, पाखी की कोई बैंड नहीं बज रही है, ना सही की बैंड बज रही है, वो दोनों एक दूसरे की बैंड बजा रहे हैं। तो बीच में आपका ढोल पिट रहा है? नहीं, मैं पिटा रहा हूँ अभी सबको, क्योंकि अब मेरे चपेट में जो आता है उसको मैं ले लूँगा, बिकॉज इतना इतना गुस्से में है विराट। तो आई थिंक आपने आधे से वो सीन देखा है जहाँ पाखी और सही के बीच का जो कॉन्वर्जेशन है, दोनों का पक्ष बहुत ही वैलिड है और दोनों सही तरीके से एक दूसरे को बोल रहे हैं। जो उसकी तरफ से जो पाखी को लगता है सही वो बोल रही है, जो सही को लगता है वो सही वो बोल रही है। दोनों की मैच्योरिटी लेवल्स में फ़र्क है, तो दोनों के रिएक्शन पैटर्न्स अलग हैं, तो दोनों हमेशा एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं। तो यस, वो होता है। जी, तो ये थे विराट, बहुत त्रस्त, परेशान, दुखी हैं क्योंकि उनकी बीवी उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा मैन अरुण के साथ पारस कोठारी, इंडिया टीवी, मुंबई।